ऑन स्टडी चैनल रेस वाई एकेडमी धीरे साहब चैंपियन में गाइस, तो आपके लिए एक और सुपर डुपर हिट क्लास की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बिल्कुल अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो फिर फुर्सत में निकल सकते हैं अभी, क्योंकि आपके लिए सुपर डुपर स्पेशल क्लास की व्यवस्था जो की गई है, जिसमें आपको मिलने वाले 100% गारंटीड क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस नहीं आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्जाम देने के बाद आओगे। और ये ओपन चैलेंज ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है, आपको प्रीवियस ईयर के और इतने सारी चीजें पढ़ाने के बाद ही कहा जा रहा है कि आपको फिक्स है इस क्लास में से 3 से 4 क्वेश्चन सेम टू सेम उसी पैटर्न पे मिलेंगे। तो बिल्कुल मन लगा के पढ़िएगा और एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए। आपके लिए स्पेशल प्राइवेट लाइव क्लासेस क्रैश कोर्स में ये व्यवस्था दी जा रही है, जिसमें आपको बताया जाएगा फिगर वाले क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आए, एवरेज 5 क्वेश्चन का लेके चल सकते हैं, किसी बार 3 क्वेश्चन आते हैं, किसी बार 4 क्वेश्चन, किसी बार 6 क्वेश्चन भी आए हैं, वो सारे क्वेश्चन सेम करेंगे और उसी क्वेश्चन पे सेम टू सेम डिट्टो है आपके एग्जाम में आएगा, चाहे आप पॉलिटेक्निक की दे रहे हो या फिर IERT का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। तो आते हैं और फर्स्ट के साथ शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? क्योंकि अगर आप रेडी नहीं रहेंगे तो फिर मजा नहीं है, आप जा सकते हैं। जो स्टूडेंट तैयार है वही पढ़ेगा। यस सर जी रेडी है, गुड मॉर्निंग है। तो पहला सवाल और एकदम धमाकेदार क्लासेस आपको मैथ की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। मैथ भाई इंजीनियर अशोक सर, अब मेरा ही नाम जहां भी होगा अब जलवा होगा। तो पहला क्वेश्चन 2019 से स्टार्ट करेंगे, 18 में आएंगे, फिर 17 में भी आएंगे, 20 का आपने खुद देखा, 20 का भी मैं करा चुका हूं, इसलिए IERT का भी आपने एग्जाम फिलहाल में दिया है। जो स्टूडेंट नहीं दिए हैं या जो अभी देने वाले हैं उन सब के लिए बिल्कुल माइंड को ऑन कर लीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही आपके लिए सही समय। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे यू, और इस फिगर में आपसे पूछा है एक्स का मान 2019 का ये पूछा गया सवाल है, 2019 का ये पूछा गया सवाल है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू को बताना ही है। सभी स्टूडेंट बताएंगे ये एक्स, ओ सॉरी ये क्या, केवल एक्स की बताने, तीनों में एक्स है तो सबसे पहले कौन बताएगा? चलो चलो बताओ। और ये आपको चैप्टर वाइज तो मैं करा ही दूंगा, उसका टेंशन ना लो, हमें 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाना होगा फिर भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको देखो रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आपका स्टोरेज रह पाएगा। और इसमें आपको आंसर करते रहिए, इसका 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 तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, इन तीनों को ऐड करके 180 के बराबर दिखा दो आंसर आ जाएगा, है ना। त्रिभुज का सवाल है, हमने कहा था ये गोल्डन टॉपिक है और गोल्डन क्वेश्चन ही केवल आज आपको मिलेंगे, यानी कि x प्लस 5 है 15 है, x प्लस 15 सेकेंड ये वाला एंगल, x माइनस 15 प्लस ये वाला एंगल x प्लस 30 कितना, x प्लस 30, इन तीनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, ये आप जानते हो, इनको जोड़ दो x x और x, आपको होगा सर 3x, 15 और माइनस 15 खत्म, 30 बचा यहाँ पर रख दो, इक्वल हो गया 30 के, आपको होगा सर 180 के 30 को उधर भेज दीजिए तो 3x बराबर हो जाएगा, 30 उधर जाएगा, 180 में से 30 को माइनस करेंगे 150 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 15 50। क्या किसी का ऑप्शन नंबर बी आया है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल। अब्दुल, आदित्य, सलमान, खुशबू कुशवाहा, विक्रम, आशुतोष, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सुटी प्रिया का भी सही है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये हर एक स्टूडेंट को पता है, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है कि आपने 30 मार्क खान बन गए, आपको जब कठिन क्वेश्चन आएगा तब मैं मौका दूंगा। चलो इसमें बताओ, ये भी 2019 के यूपी पॉलिटेक्निक में आया हुआ सवाल है, जिसमें आपसे पूछा गया था, उस समय की बात है कि आपको बताना था पी आर पी क्यू, आर पी है क्या, आर पी क्यू ये वाला एंगल आपसे पूछा गया था, तो तुरंत बता दो कौन बताएगा, जानदार तरीके से आंसर करेंगे। यस सर जी जिसमें है दम वही होगा, चलो जिसमें होगा दम वही है बाजीराव सिंघम, चलो जिसमें होगा दम वही है सही है, गधा कहेगा कर आवाज तेज कर दो, आवाज तेज है तुम अपना स्पीड तेज करो।
सुनो मेरी बात, अब आपने कर लिया है, ए होगा ए होगा ए होगा, आपने बोला ए होगा, सबने कहा ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, कौन सा, पी क्यू आर एस, क्योंकि पी भी क्यू भी आर भी एस भी वृत्त के परिधि पर ही चारों बिंदु हैं, और ऐसा कंडीशन होता है चक्रीय चतुर्भुज का, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने और सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, कितना, जोर से बोलिए, 180 होता है, यानी ये 130 है, तो ये अपने आप हो जाएगा 50, क्योंकि इसको इसको जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, और आपको पता है इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, रुको, इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं फिगर को, अब देखो क्यों, क्योंकि अब यह केवल फिगर को देखना, बाकी चीजें नहीं, यह एक वृत्त है, यह इसका डायमीटर हो गया है, और आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी पी आर क्यू, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त में बन रहा है 90 अंश, है ना, 90 अंश, तो हम वापस से इसे 90 अंश दिखाते हैं, वापस से आप कहोगे हाँ सर ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 आ गया, आया ना, क्योंकि यह अर्धवृत्त में बना कोण है 90 होगा, तो ये पूछा है, ये पता है, ये पता है, ये कितना होगा, 50 और 90 140, और ये बचा हुआ 40, तभी तो तीनों का 180 होता, देख लो 50 और 40 90 90 90 180, और ये त्रिभुज बनी रहा और इसका मान 180 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, हाँ ये 30 कौन हो, गोरखपुर से 30 कह रहा, अभी मानेंगे ना बाबा जी से, शिकायत कर देंगे योगी बाबा जी से, 40 होगा, 40 होगा, 40 होगा, 40 होगा, और भाई साहब और सिस्टर जी इस सवाल को आपको ही बताना है, इसलिए आपके पास 30 सेकंड दिए जा रहे हैं, 30 सेकंड में आपको आंसर करना है, और ये बहुत ही शानदार सवाल है, स्पेशल इंपॉर्टेंट है ये, देखो इसमें वृत्त भी है और त्रिभुज भी है, कौन बताएगा, चलो इति तिवारी 40 अभी पीछे हो क्या, आगे कर लो वीडियो को, आगे आ जाओ, है ना, देविका पाठक ए कह रही है 80 होगा, एक लड़का कौन है ये, बहुत अच्छा, आशीष कह रहा सर जी ए, एक लड़का कह रहा है 100, एक लड़का कह रहा है ए, अब ये दोनों क्या गए, इनको हटा दे, चलो 50-50 ए और बी में दो ऑप्शन आपके इलिमिनेट कर लिए गए हैं कंप्यूटर्स के द्वारा, आपको कंप्यूटर ऑप्शंस दिए हैं, लाइफ लाइन 50-50 ए और बी में क्या होगा, बस ये बता दो, ये कौन है भाई, 100 पे 100 पे 100 पे ज्यादा वोटिंग जा रही है, 100 पे आ रही है वोटिंग, 80 पे भी कुछ लोग जा रहे हैं, मामला गड़बड़ है भाई, दो ऑप्शन हटाने के बाद भी आप सिक्योर नहीं कर पाए अपने आप को, इन सब को हटाओ, यानी कि इसको हमें बताना पड़ेगा, आप गलती कर चुके हो ये कन्फर्म है, अब बस इंतजार करो कि किस तरीके से गलती की हो उसे रीचेक करने के लिए, सुनो आ जाओ क्लास में वापस, देखो ये वृत्त का केंद्र है, अगर हम इसको मिला दें तो आप कहोगे सर जी ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये ओ भी त्रिज्या है और ओ ए भी त्रिज्या, ये वाला 20 अंश बन रहा है तो ये वाला भी 20 अंश ही बनेगा, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर कोण बनाती हैं, उसी तरीके से जैसे देखो ये भी त्रिज्या है तो ये त्रिज्या ये 30 अंश बना रही, तो इधर भी कितना बनाएगी 30 अंश, और ये टोटल कितना हो जाएगा 50 अंश, एंगल बी बराबर कितना आ गया 50 अंश, 30 इधर 20 इधर, यानी 50, आपको पता है वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दो गुना होता है, यानी ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना समय लगा, इतनी सा भी एक लाइन का भी ये सवाल नहीं है, लेकिन आपके दिमाग की खोपड़ी में क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, ताकि आप पावरफुल माइंड से अपने बेहतरीन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अंजाम देंगे, और आप खुश रहेंगे क्योंकि आप क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, आपको मैं गारंटीड दे रहा हूं, अगर 5 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आप फिगर वाले बना लिए तो 1 क्वेश्चन की वैल्यू के हिसाब से जोड़ लो, अगर 5 क्वेश्चन बना रहे हो आपका 20 नंबर ज्यादा जा रहा है, 20 नंबर का मतलब आप कम से कम 50,000 स्टूडेंट को वैसे ढकेल के भगा दोगे, हटो हटो हम आ गए हैं आगे इस 4-5 क्वेश्चन को करके, इसीलिए आप आगे रहोगे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि कैसे कैसे करना है। अब देखो ये तो इतनी बार इस टाइप के इस फार्मूले पे इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा है कि आप भी कहोगे हाँ सर पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछेगा, बिना देखे इसे सब लोग कह सकते हैं कि हाँ ये पूछेगा ही पूछेगा,
ये नहीं पूछेगा, इसके जैसा ही पूछेगा। ये थोड़ी ना कि यही सवाल बस यही पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाया जाता है, ना ही कैलकुलेशन। आपको कॉन्सेप्ट या तरीके बस बताए जाते हैं कैसे करना है। जब एग्जाम में आपके आएगा सवाल, सुनो आंसर करो, 30 सेकंड है, फिगर दिया है, आपसे पूछा है सीडी की लंबाई, सीडी है क्या भाई, ये बताना है, ये बता दो। इसका फार्मूला कोई लिख के हमें बताएगा टाइप करके कि कौन सा फार्मूला लगाओगे। हमने बताया था वृत्त की जब दो जीवाएं वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर कट करें तो क्या होता है। ए से पी तक बाहर जाओगे, ए से पी तक क्या पूरा बाहर जाओगे, और ये फिर बाहर वाला हिस्सा, यानी बाहर वाला हिस्सा क्या है, बी और पी है ना। इसी तरह इस वाले जीवा के लिए सी से पी तक पूरा जाएंगे और ये बाहर वाला हिस्सा। ये हमने बताया था क्या कि अगर आपको बाहर आया तो पहले पूरा और फिर बाहर वाला, अंदर क्रॉस करते हैं तो पहले पूरा फिर अंदर वाला दूसरा पार्ट, और क्या है, कुछ नहीं है। आप इसे नोट कर लेंगे है ना, ताकि गलती करेंगे तो फिर समझ में आएगा, और गलती नहीं करेंगे तो कहाँ समझ में आएगा। इसको नोट डाउन कर लेना है आपको। चलिए अब हम इस पे वैल्यू को रखते हैं। एपी का मान क्या है भाई, एपी का मान 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है, जल्दी से बताना है सभी को। बीपी का मान 3 दे रखा है, 3 रख देंगे। सीपी का मान यानी ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस फोर हो जाएगा पूरा। डीपी का मान दे रखा है 4 तो रख देंगे 4, और हो गया 5 3 15 कितना 15, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 4 16 हो जाएगा, और मामला हो गया गड़बड़। क्वेश्चन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और इसको फिर से बैलेंस करते हैं। पहले पढ़ो, ए बी सी डी दो जीवाएं हैं, बिंदु ए बी पांच है और ए बी पांच है, बी पी का मान 3 रखा तो ये वाली बाहर वाली लंबाई 3 है, तथा PD कहाँ है भाई, PD 4 है, तो CD की लंबाई ये वाला पूछा है, X का मान पूछ रखा है, तो कितना कितना आ रहा है आप लोग का, जल्दी से आंसर बताएंगे। कुछ स्टूडेंट कह रहे सर 4 तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी 4 है तो ये 4 कैसे होगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल कैलकुलेशन को सेट करते हुए आंसर बताते रहना, ताकि एक भी चीजें छूटे ना, जहां पर मिस्टेक होगा उसको जरूर सुधारेंगे। देखो AP का मान आपने किया है ना, कौन है भाई 2 सेंटीमीटर, इति तिवारी करी सर जी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, लगा है अभी खत्म, ठीक है। आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने अपने तरीके से आंसर किया है, जो कि कुछ 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 स्टूडेंट को छोड़कर लगभग लगभग स्टूडेंट ने कर दिया है गलत। और अब जब आपने किया ही है मिस्टेक, तो फिर इसको करना पड़ेगा फुल टू फुल सॉल्व। चलिए हम इसको, ये कौन है भाई, AP बराबर 8 कह रहा है, इंस्टा रील कह रहा है AP बराबर 8 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं लग रहा है आपके द्वारा दिया गया आंसर। ये कौन है, हाँ गीता कुमारी कह रही है 2 सेंटीमीटर होगा, रुक जाओ थोड़ा सा 1 मिनट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ लॉजिक जो है छूट रहा है, और एक क्वेश्चन हमने कहा था छूटना नहीं चाहिए। ओके चलो, तो आपने इसका आंसर कर लिया। और एक बात मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे रहे हैं कि सर जी 2 सेंटीमीटर होगा, अब मैं बता रहा हूं कि यहां पे आपकी मिस्टेक जो हो रही थी वो क्या हो रही थी, ओके ये तो ठीक है, पहली लाइन के लिए CP गुड़े DP ठीक है, और दूसरी वाली लाइन के लिए AP गुड़े BP ये भी सही है। फिर से वैल्यू को रखा जाए। अच्छा एक बार, ओके सर जी सही था क्या पिछला वाला, ओके तो आते हैं इसके फुल सोल्यूशन को, फिर से उसी सवाल को सॉल्व करते हैं। AP का मान कितना है भाई, A से AP का मान, ओहो बड़ी गड़बड़ी हो गई थी यहाँ पे, मिस्टेक था। AP का मान ये 5 और 3, ये टोटल कितना था 8 था, हमने कितना रखा था 5 रखा था, कितना था 5 और 3, ये पूरा लंबाई 8 है ना, तो 8 रखेंगे
और बीपी का मान आपको पता है 3 सेंटीमीटर है, सीपी का मान ये एक्स और चार यानी कि एक्स प्लस फोर, और डीपी का मान आपने 4 तो कहा ही था, तो ये हो गया 24, ये हो गया 4x और ये हो गया 16 को इधर भेजो, 4x बराबर क्या हो गया 24 माइनस 16 और 4x बराबर कितना आ गया भाई 8, तो x बराबर कितना आ गया आप कहोगे मास्टर साहब 8 बटा 4 करेंगे 2 आ जाएगा आराम से, क्या आ जाएगा आराम से आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ओ ये है डी के साथ जाना है और कोई नहीं बहाना है सभी का। हाँ एक स्टूडेंट ने बता दिया कि सर जी आपने एपी के जगह केवल यही रख दिया था जबकि 8 रखना था, अब ठीक है, लेकिन हमें कैलकुलेशन से कोई लॉजिक नहीं रखना है, हमें इसे याद रखना है कि इसको बैलेंस कैसे करनी है, दोबारा एग्जाम में फिगर घुमा दे अलग दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से सुनो यहां से पूरा बाहर तक जाएंगे और फिर दूसरा बाहर वाला हिस्सा वही लिखा गया है, पूरा बाहर तक फिर दूसरा बाहर वाला हिस्सा, फिर दूसरे वाले लाइन के लिए भी वही कंडीशन, यहां से पूरा बाहर तक फिर दूसरा बाहर वाला हिस्सा, ठीक है याद कर लेना। अगला सवाल, इस शायद ये सवाल आईईआरटी में आया था क्या, चलो बताओ नीलम सोनकर बताओ क्या ये सवाल आईईआरटी में आया था, ऐसा एक सवाल आया था मेरे पास कि सर ये सवाल आया था आईईआरटी में, और जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक के लिए पढ़े तुरंत आंसर बताएंगे कि क्या होगा। हाँ अच्छा एक करण माफिया कर, हम तो सर जी पहले ही बोल रहे थे, तो हम पहले बोल रहे थे तो हमके दिमाग थोड़ा क्या ना एनर्जी कमी हो गई थी इसीलिए। चलो 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 जल्दी, नीलम बी बता रही है, बी आ रहा है, हाँ बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। ठाकुर अक्षय प्रताप कर भाई मेरा कमेंट जा रहा है क्या, प्लीज टेल मी ब्रो टेल हिम क्या इनका कमेंट आ रहा है। सुनो अब सुन लिया, रुक जाओ कर लिए हो, 4 बिंदु एबीसीडी इस प्रकार के वे एबीसीडी बनाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त है तो इसकी त्रिज्या भी होगी ना, ये वृत्त की क्या होगी त्रिज्या होगी, त्रिज्या को हम लोग आर से भी डिनोट कर देते हैं, एसी क्या है एसी तो वृत्त की त्रिज्या है, एसी क्या है त्रिज्या है और इसे आर से माना गया है, ये क्षेत्रफल दे रखा है, बहुत ही आसान सा सवाल है आपको, क्षेत्रफल दे रखा है 3850 है ना, पाई का मान कितना 22/7, तो आप चाहो तो इसको नीचे भेज सकते हो, कितना 22/7 पाई को इसका नीचे भेज दो, 22/7 सात को ऊपर आने दो और यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर, राइट। आप इसे सॉल्व करके आर की हमें वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, और इसे कैंसिल कर सकते हो, देखो कैसे 11 से कैंसिल करो, 11 से दो बार में 11 3 33 11 5 55 ठीक है, 11 2 22 तीन बार में 5 बार में 35 है ना, तो कितना आ रहा है आर स्क्वायर बराबर, रहने दो आर स्क्वायर बराबर ही रहने दो, इसको पूरा सॉल्व मत करो, 35 × 7 इसका तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 5 35 3 लगा 7 3 21 और 3 24 बटा 2 आर स्क्वायर बराबर इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर है ना, भुजा का स्क्वायर, अगर इस भुजा को हम a मान रहे हैं, ये वर्ग है ना, तो सभी ये भी भुजा a होगी, और भुजा को a माने तो a का स्क्वायर करेंगे और a निकालेंगे कैसे, यहां से a निकालो यहां पर रख दो आंसर आ जाएगा। सुनो एक काम तो तुम लोग करना भूल ही गए, वो ये है कि यह देखो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना रही है, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी आर का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर होगा 2a² है ना, 2a² यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, जब यहां से
आप लोग ए बराबर निकालोगे, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए ना। आर स्क्वायर का मान तो दिया ही है, कितना दिया है, आर स्क्वायर की जगह 245 बटा 2 है। इस 2 को भी नीचे भेज देंगे, 2 को भी नीचे भेज दोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर केवल बचेगा क्या, तो आर स्क्वायर की जगह पे हमने रखा, यस रखा। और आप कहोगे सर जी ऐसा है ए स्क्वायर बराबर हमारा आ गया, हमें ए स्क्वायर चाहिए और ये नीचे 4 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 245/4, यही तो हमें चाहिए था। ए स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, 45, 2450। ओके, आपने कहा यस, सभी स्टूडेंट बेहतरीन, आर स्क्वायर 2450, अच्छा 2450/2। अब देखो सभी स्टूडेंट इसमें आंसर अपना अपना आजमा रहे हैं कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, लेकिन लेकिन आप में से एक स्टूडेंट ऐसा है और एक क्या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सही आंसर किया है। हाँ भाई कुछ छूटा है क्या, सुनो फिर से, आर स्क्वायर बराबर 3850 दिया है ना, पाई का मान होता है 22/7, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देते, लग रहा है कुछ छूटा है, 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 21, 22, 23, 24, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जा रहा है, कितना, अच्छा ओके 11 से काटे थे 2 बार में, एक बार फिर से कर देते हैं, क्योंकि R का मान में कुछ छूटा हुआ है और ये छूटा है, मिल गया। इसमें क्या था, जब हम लोग ये 3850 है इसको सॉल्व करते हैं, चलो मैं यहाँ पे फिर से इरेज कर दे रहा हूँ थोड़े समय के लिए, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो R स्क्वायर का मान आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर ही मेन है क्योंकि वही उसी के थ्रू तो आपको वैल्यू को रखनी है, तो आप तुरंत इसको रख सकते हो वैल्यू को, कैसे कि सर हमें आर स्क्वायर चाहिए, क्षेत्रफल दे रखा है 3850, क्षेत्रफल दे रखा है 3850, पाई को नीचे लेकर आते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो आप 7 को चाहो तो ऊपर भी भेज सकते हो, है ना, ऊपर भी भेज सकते हो, क्योंकि हमने इस 0 को लिखना छोड़ दिया था नेक्स्ट वाले में, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कीजिए, और देखिए जब हम इसे 11 से काटेंगे 2 बार में, तो ये 11 से 3 बार तो हमने काटा था, 11 × 5 = 55, और ये 0 लिखना छोड़ दिया था और इसे छोड़ना नहीं था, वही आपका छूटा था। अब ये हो गया 350 × 7/2, 2 से इसे और छोटा कर दो, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 2, 7 = 14, 2 × 5 = 10, 175 × 7, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 49, और 49 × 3 = 52, है ना 52, यानी कि 5 × 7 = 12, ये हो जाएगा 1225। और आप सभी को पता आर स्क्वायर बराबर 1225, तो आर बराबर कितना, ये है 35 का स्क्वायर, तो आर का मान आ गया कितना, 35। जब आर का मान आ गया तो आप आराम से अब सारी कहानी को बना सकते हैं। कौन है, ठीक है, चलो अब हम पूरा सॉल्व कर देते हैं। जब आपने आर का मान निकाल ही लिया ये रेडियस, तो आपको चाहिए ये, देखो सी ए मैं फार्मूला के साथ लिख दे रहा हूँ, सी ए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार ए बी का स्क्वायर, आपको सदी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण क्या है ये देखो, ए सी आपका कर्ण है, ए सी क्या है कर्ण है, यानी कि 2R हो जाएगा, क्योंकि ये R है इतना ही रेडियस ही तो R माने थे, ये टोटल 2R हो जाएगा, यानी कि 2R का स्क्वायर। तो देखो एक बात याद रखना, R बराबर 35 है तो 2R बराबर कितना हो जाएगा,
बराबर, यानी कि दो बूढ़े आर का मान 35, यानी कि एसी का मान टोटल कितना हो जाएगा 70, 35 इतना 35 इतना 70, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखोगे वैल्यू को 70 का स्क्वायर है ना, और ए बी का मान ए स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे 7 × 7 = 49, 2 0 चिपका दो, और इधर क्या है ए को नीचे 2 को नीचे भेज दो, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है। इसको कैंसिल, आपका ए स्क्वायर ही चाहिए था, स्क्वायर तो मिल गया, और इसी को कट कर दो तुरंत, आप को सर जी 2 से काट देंगे, 2 × 4, 2 × 4 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2450 ए स्क्वायर का मान आ गया, यानी कि क्षेत्रफल है 2450, समझ में आया? बोलो कितने स्टूडेंट का, हाँ 2450। वासिन कह रहा है सर जी IERT में सेम यही क्वेश्चन आया था, मुझे भी याद है, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो बट मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि क्या यही सवाल था या अलग। देखो एक स्टूडेंट ने कंफर्म भी कर दिया कि यस सर जी यही सेम कुछ सेम सवाल आया था IERT के एंट्रेंस एग्जाम में। फिर से सुनो क्या किया गया था, पहले क्षेत्रफल दिया, उसके द्वारा हम रेडियस निकाल लिए, रेडियस निकाल लिए, हमको पता है ये कर्ण है, पूरा क्या है कर्ण है, तो इसका 2 गुना कर देंगे 70 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बड़ा होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आ गया ए स्क्वायर चाहिए था, ए स्क्वायर आ गया। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल आप देखो, हमने कहा है कि आज के सवाल जितने भी आप करोगे 5 क्वेश्चन फिक्स है फिगर वाले आप कर पाओगे, एक एक क्वेश्चन को 10-10 क्वेश्चन के बराबर रख के चलेंगे कि इसके जैसा 10 सवाल और भी आएगा तो हम बना पाएंगे। देखो ये सवाल भी आपको बताने 140 दे रखा है, ADC ये 140 दे रखा है, BAC का मान, BAC ये वाला एंगल पूछा है, चलो तुरंत बता दो। अब बिना पेन कॉपी के बताना, केवल माइंड में सॉल्व करो, हवाओं में, चलो सभी लोग बताओ जल्दी से, सी आ रहा है सर जी, लव फैक्ट्स गेमिंग का भी सी आ रहा है, प्रियंका पाल, वर्मा नीरज, राहुल यादव, अंकित, इति तिवारी, उत्सव कुमार, आशुतोष राणा ने भी कहा सर 50 होगा, निशा कुमारी का भी, सलमान अंसारी, अब लिखो सबने 50 ला दिया है, हमने कहा था बिना पेन और कॉपी के करना है ईमानदारी से, तो आपको पेन बिना पेन के करना है इसे। ये बताओ चक्रीय चतुर्भुज है, यह 40 है, 140 है तो ये कितना होगा, इसका और इसका योगफल 180 होना चाहिए, तो ये 140 है तो ये कितना होगा 40 होगा, तभी तो आपने सामने का जोड़ने पर 180 होना चाहिए। और अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि ये अर्धवृत्त में है, और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, मतलब 90 अंश होता है, ये 40, ये 90, ये 40, 130 और ये बचा हुआ 50 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। अपने आप से आप कह सकते हो कि सभी 130 इन दोनों का है, तो अल्टरनेटिव ये 50 होगा, क्योंकि तभी तो 50 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। सभी का क्लियर है, सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो जरा एक बार हैंड्स अप करके बताओ, हाँ सर जी समझ में आ गया थोड़ा, वर्मा नीरज, खुशबू कुशवाहा, हाँ हाँ, अच्छा इमोजी भेज दिए क्या, मेरे बोलने से पहले आपने अपना स्माइल सेंड कर दिया है, चलो अच्छी बात है, अरे लाट टपक दिया है पहले बच्चे थे तो तितलियाँ आती थी तो उनके जो ट्री होती है, ट्री छोटी छोटी, उसके पोच में बोरी वाला धागा बांध के उड़ा दो, कहाँ तक लेकर जाएंगे, उड़ती 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 धागे को लेकर चली जाती थी, अब वो समय चला गया, तो स्माइल प्लीज कर देंगे आप लोग। चलो अब आते हैं, सबने भेज लिया होगा एक और सवाल, आप सभी का स्वागत कर रहा है, ये कौन है भाई, अंकित कुमार गोरखपुर वाले, लग रहा है आज टूथपेस्ट कर लिया इसीलिए पूरा दांत दिखा दे रखा है चलो ठीक है कोई नहीं, दांत दिखाओ चाहे, ये कौन है लोट के ऐसे भी इमोजी भेज रहा है चलो ठीक है ठीक है, अच्छी आवाज है, लेकिन इसको अब आंसर बता दो तो मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस होगी कि आपने आंसर कर लिया जल्दी से, आपके पास 30 सेकेंड है। ये कौन है भाई, राजा भैया डांस कर रहे बंकी बंदर, अच्छा एक लड़का कह रहा है सर उसे हेलीकॉप्टर कहते हैं, सुनो हेलीकॉप्टर कहो चाहे
फिर भी बोलते थे, हमारे गांव में भी सब लोग बोलते थे, इसलिए हम भी बोले। गांव में अगर आपके मान लो कोई नहीं बताएंगे, जाने दो। ये देखो ये क्या है, आपसे पूछा है एक्स का मान, इस एक्स का मान पूछा है, तो बिना पेन और कॉपी के ये भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको दिमाग क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, दिमाग का स्विच ऑन रहेगा तभी। तो इन्होंने कहा है ये स्पर्श रेखा है, क्या है ये जो लाइन जा रही है, क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा हमेशा कितना अंश का कोण बनाती है, पूरी जिंदगी भर कहीं पे भी हो 90 अंश का कोण बनाती है, दिखाएगा नहीं लेकिन होता है, आपको याद है, ठीक है। अच्छा ये 90 ये 30, तो 90 और 30 कितना हो गया 120, 90 और 30 120, तो ये कितना होगा भाई साहब, तीनों का 180 होना चाहिए, तो 120 हो चुका, बचा हुआ 60 ही है, 120 में 60 जोड़ देंगे। नहीं समझ में आया क्या, सच में नहीं समझ में आया, मजाक नहीं, जैसे सही बताओ, सच में नहीं समझ में आया कि इसका राइट आंसर 60 होगा विदाउट मैंने कॉपी, आप कर चुके हैं, सच में बताओ दो, समझ में आया नहीं, सही में बताओ, बोलो सभी लोग, समझ में आया कि नहीं, यस या नो, तेजी में बोलो, क्या समझ पाए हो कि बस हाँ 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 सर जी, हमारे सब आ रहा है, एग्जाम में आ रहा था तो नहीं कर पाए, इतना आप देखो खुश नसीब हो कि आपको अच्छी पढ़ाई इतनी आसानी से मिल जा रही है, कोचिंग क्लासेस में हम भी पढ़ाए हैं, आप भी पढ़ने गए होगे, एक घंटे चला के साइकिल जाओगे, 5-6 सवाल में एक घंटा खत्म, और यही होता है, यही सच्चाई भी है, एक एक क्लास में आपको 20-30 क्वेश्चंस भी करा दिए जा रहे हैं सिंगल घर बैठे, वो भी एक घंटा जाने का और आने का ट्रेवलिंग टाइम निकाल लो, है ना, पता चला साइकिल अलग से पंचर हो जाएगी और धूप में तुम भी पंचर हो जाओगे, इसीलिए पढ़ रहे हो तो उसका बेनिफिट्स लो। यस सर जी समझ में आ गया, चलो ठीक है, हाँ सर जी जोर से, एक लड़का कह रहा है यस सर जोर से आ गया समझ में, जोर से आ गया है समझ में, तो जोर से अगला सवाल ही बताओ, ये एक और त्रिभुज का सवाल है, 2017 में पूछा गया है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, 2019 में जो कोई पॉलिटेक्निक में 3 सवाल फिगर के थे, पूरे पेपर में फिगर वाले क्वेश्चन 3 आए थे, है ना, और 2018 में 6 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन, 2017 में क्या हुआ था, 4 क्वेश्चन आए थे, अब सोच लो, सोच लो, आप खुद समझ सकते हो कि 3-4 क्वेश्चन आने हैं और उसमें आपके कोई नहीं बहाने हैं, आपको बताने हैं, तो इसको भी आंसर बता दीजिए। और ये बाह्य कोण है, क्या है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण त्रिभुज के नियम के अनुसार होता है अंदर के दो अंतर कोणों के योगफल के बराबर, यानी ये जो 120 है 120 है यह इक्वल होगा इसके और इसके, यानी कि एक्स प्लस 40 के, तो एक्स पूछा ही है तो आप कहोगे मास्टर 40 को इधर भेज दीजिए काम हो जाएगा, 120 माइनस 40 कितना हो गया भाई 80, क्या यही है, क्या वही हाल है कि बस सब सही बात है, सही बात है ना, 80 अंश, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, 20 सही हो जाएगा, 20 सबका है, सही खुशबू कुशवाहा कह दी तो सही है भाई, स्वीटी प्रिया भी कह दी, वर्मा नहीं कह दिया था वो ठीक है, पूरा वर्मा एकदम संभाला हुआ है माहौल को, गड़बड़ी जैसे होता है तुरंत क्या कर देगा, तुम लोग सब एक दिन सोच रहे थे कि तुम लोग को सब्सक्राइबर शो करा दें, लेकिन तुम लोग फिर गुस्सा दिला दिए उसी दिन, और हम कहे थे जिस दिन गुस्सा आ जाएगा उस दिन कम से कम 2 घंटे पढ़ाई देंगे तुम लोग को, तो परसों सब गुस्सा दिलाए थे, तो आज इन लोग को सुबह पढ़ाया गया था 2 घंटे और कल आपके लिए फिर से 2 घंटे से ज़्यादा पावरफुल क्लासेस मॉर्निंग में 7 AM पे मिलेगी, तो 7 AM की क्लास मिस नहीं करना, उसके लिए चाहे आपको सब्सक्राइब करना पड़े या फिर टेलीग्राम का ग्रुप में जुड़ना पड़े जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर वीडियो को लाइक किए रहोगे तो दूसरा ब्राउज में अपने आप आ जाएगा, इसलिए कोई भी सिंगल टॉपिक आपका नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे प्रकट हो चुका है, इसका आंसर करेंगे और देखते हैं कि आपका क्या हो रहा है इसका सही जवाब, चलो कौन बताएगा करोड़पति में आंसर,
चलो चलो, जो बताएगा उसको मेरे तरफ से एक एक लाइक, एक लाइक मिलेगा, केवल 1K लाइक्स मिलेंगे। हाँ, ये आ रहा है मास्टर साहब। कौन कह रहे हैं? सर को डेली गुस्सा आए। अच्छा, सब को डेली गुस्सा आए, 2 घंटा सब लोग पढ़ोगे? ना ना ना, अब सुनो, हिंट दूंगा, तुम उसको पूरा प्रिंट करोगे। दिए गए फिगर में पी क्यू आर, ये 90° है, समकोण त्रिभुज है। चलो काम हो गया, हमने पी क्यू आर का केंद्रक है। अच्छा, पी क्यू आर कहाँ है? इसका केंद्रक क्या है? ओ है, सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट। और ये दे रखा है 12। ओ आर, ओ से आर तक की दूरी कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। ओ से क्यू तक की दूरी क्या दे रखी है भाई? पूछा है। और पी से ओ तक की दे रखी है, आसान है। जब भी ऐसा कहीं दे, ये देखो एक्स एक्सिस होता है, ये अगर इसको पॉइंट जो इसको इसके एक्सिस है इसको प्लॉट अगर कराएंगे तो एक्स एक्सिस पे कितना 12 है, वाई एक्सिस पे कितना है 5 डिस्टेंस है। तो मान लो ये है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे केवल 12 दूरी है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे नहीं है, तो इसके निर्देशांक हो जाएगा 12,0, क्योंकि ये केवल एक्स एक्सिस पे। इसी तरह वाई एक्सिस पे देखो 5 गया है, तो यहाँ का जो पॉइंट्स होगा एक्स एक्सिस पे तो नहीं गया है लेकिन वाई एक्सिस पे 5 है। और इसको अगर सेंटर मानोगे तो इसका मूल बिंदु क्या होता है? 0,0 होता है। तीनों निर्देशांक मिल गए, क्यों इसे लिखा गया है, इसका लॉजिक ये है कि इन्होंने बोल दिया है कि केंद्रक है। क्या ये इसका सेंटर है? केंद्रक है। और केंद्रक का फार्मूला आपको पता है, अगर हम केंद्रक मान लेते हैं कि ये एक्स और वाई है तो केंद्रक बराबर क्या होता है, x1 x2 x3 बाई 3 जोड़ देंगे आ जाएगा, यानी कि 12। x बराबर निकाल रहे, ये देखो यहां से 12, 0 और 0, 0 और 0 अपॉन में 3, तो कितना आ गया भाई 4 आ गया। इसी तरह y को निकालेंगे, दूसरा इसका सेंटर निकालेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा आपको सर, y1 y2 y3, यानी कि 0, 5 और y3 क्या है 0 है। आपको मास्टर साहब 5/3 आ गया, तो ओ, ओ ये हो गया 4,5/3, एक इसके निर्देशांक ये आ गया, एक आ गया। आपसे पूछा है OQ का मान, OQ है कहाँ, उसे पकड़ो और खोजो जल्दी से। ये है OQ, क्या है ये है, और OQ देखो एक क्या है, 2 बिंदु है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं, इसको हटाओ अभी। OQ आपका जो ऐसा ही तो कुछ है, यहाँ पे क्या है Q है, यहाँ पे O है। देखो ध्यान से, ये Q है, ये O है, आप इसके पॉइंट्स पता है 0,0, इसके अभी आपने निकाला है। तो ये एक देखा जाए आराम से, तो ये एक 2 बिंदु है, और 2 बिंदुओं के बीच की क्या पूछा है, दूरी पूछा है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दो, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आपको आता है तो हम लोग भी निकालेंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। और इसी को करना है आपको सोल्व करेंगे तो 4 में से 0 घटा हुआ 4 आएगा, 4 के स्क्वायर करके 16, 5 0 घटा हुआ 5 5 25, और 3 3 9, ये हो गया। इसको सोल्व कर देना है और एलसीएम लेंगे, 9 हो जाएगा, 16 का 9 में मल्टीप्लाई कर दो और 25 जोड़ दो, 169, और आ गया। दूरी ही क्या थी आपकी, OQ थी। तो आप कहोगे सर जी ऐसा है OQ का मान, इसको 169 है बाहर आएगा, अंदर रूप से 13 का स्क्वायर है, 9 किसका है 3 का स्क्वायर है, तो ये आपका आ गया आंसर। लेकिन आपको दिक्कत होगी, आंसर जो है सही बटा में है, होल के फॉर्म में दिया है, तो इसको भी आप बदल दोगे। कहीं भी अगर ये आंसर मिलता तो ठीक है, मामला ये भी ठीक है, लेकिन आपको आंसर भी तो लाना है, नंबर पाना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, आपको 3 × 4 = 12 × 1 = 13 4 सही, 1/3 सेंटीमीटर कहाँ पे है, ये रहा किसमें, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब सबका सही है, नैया सबकी पार हो जाएगी कि नहीं, डूबने नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। और मैं आज आपको एक चीज और दिखाने वाला हूँ जिसमें कि रेसवा एकेडमी के बेहतरीन स्टूडेंट को कुछ सेलेक्ट किया गया है, जिनको कुछ खास क्वेश्चंस अलग से मिलने वाले हैं और उनको ऐप में अपने आप मिल जाएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट क्या है रिश्वा एकेडमी, देखो क्रैश कोर्स चालू किया गया था तब बताया गया था कि जो स्टूडेंट पैड क्लास के पहले से हैं उनको पैड क्लास के पहले इसमें जुड़े हुए हैं तो क्रैश कोर्स में या फिर कोई भी बैचेस आएगा पूरे वन ईयर तक कोई दोबारा पैसा नहीं देना है, है ना, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था और वही हुआ भी। क्रैश कोर्सेज आपके लिए कंटिन्यू फ्री रहेंगी और अब तो और ज़्यादा वीडियोज जाएंगे। प्लस इसमें कंडीशन ये था कि हाँ जो स्टूडेंट ऐप पर रिश्वा एकेडमी के मोबाइल ऐप पर 5-star रेटिंग किए हैं उनके आईडी यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगी और उनके लिए ऑन हो जाएगा। वैसा हुआ भी, जो स्टूडेंट नहीं किए थे देखो उनके में अभी भी नहीं शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा है और आगे की वीडियो, लेकिन ये यही तक थी, आगे की वीडियो आपके पास नहीं आ पाएगी जो स्टूडेंट पैट क्लास के अगर उनकी 5-star में रेटिंग नहीं की है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ तक आपका स्वागत रहेगा। आगे की चीजें आज प्ले स्टोर खोल के चेक कर लेना कि आपने 5-star में रेटिंग किया है या नहीं, और जो स्टूडेंट किया है उनको दिल से शुक्रिया है आपने इतना अच्छा रेटिंग बनाया रिश्वा एकेडमी के ऐप पर। हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये एज आपके प्यार और सपोर्ट के लिए किया जा रहा है ताकि आपका नाम आए उन हजारों स्टूडेंट के सामने जो देखे अच्छा ये नाम का लड़का है, वाह यार बहुत अच्छा लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने तरीके से खूब सुंदर लाइनों में उसको लिखे हुए हैं एप के बारे में, जो स्टूडेंट है कि आज करना, अभी क्लास के बाद मैं फिर तुम लोग को दिखाऊंगा कौन कौन किया है, ठीक है, अभी तो बहुत क्वेश्चन बनाने हैं। लो आ चुका है एक और त्रिभुज का सवाल, इसको आप करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में ए बी सी का मान 90° से बड़ा है, ये वाला एंगल 90° से बड़ा है। हमने आपको तीन फिगर बताए थे, जब ये एंगल 90 के बराबर हो, 90 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो ये 90 से बड़ा वाला है और इसका फार्मूला बताया गया था आपको, क्या बताया गया था, फार्मूला बताया गया था, और वो फार्मूला ही है, वो फार्मूला थ्योरी का जो याद रखा होगा उसका काम तुरंत हो जाएगा, बिना सॉल्व किए आप इसके आंसर को बता सकते हैं, है ना, लेकिन जिसे याद रहेगा उसी को ना, अब जिसे याद ही नहीं रहेगा वो क्या कहेगा, अच्छा मैं फार्मूला लिखूं क्या, किसी को याद है क्या फार्मूला, आपको बताया गया था AC, ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है AC का स्क्वायर बराबर आपको बताया गया था AB का स्क्वायर, देखो माइनस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर और प्लस 2BC इंटू BD, याद करो। तो आपको यह एक फार्मूला है और इसे याद रखना। अब ये किस ऑप्शन में है ये खोजो, AC का स्क्वायर के बराबर पूछा है और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ना यहाँ पे इन्होंने प्लस देकर मामला गड़बड़ी कर दी है, अगर ये माइनस दिए रहते तब तो ठीक रहता, और माइनस किसी में नहीं दिया है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ दीज, राइट आंसर ये होगा। इस सवाल का ओरिजिनल आंसर ये है जो कि इस ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए आपका ए कौन कह रहा है, ए पे जा रहे हो, आंसर ये है इसमें मैच नहीं है इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सर प्लस होगा, अच्छा एक लड़का कह रहा सर जी प्लस होगा, आशुतोष आनंद कह रहा है सर जी हम 25 आईडी से क्या किए हैं रेटिंग किए हैं, चलिए भैया आशुतोष का सर जी कमेंट पिन कर दिया जाए, बहुत अच्छा लड़का है, कुछ स्टूडेंट का हम यहीं से पिन कर दे रहे हैं, चलो आशुतोष का पिन कर दे रहे हैं, सब लोग देखेंगे और सुनो दो दिन इसको सॉल्व करेंगे आपका यही आंसर आएगा। अगला सवाल, और ये सवाल लगभग आपको बताया गया था लेकिन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि इनकी दो जीवाएं थे वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर काट रही हैं और ये अंदर भी नहीं काटे, तीन फिगर आपको बताया था वृत्त का, पहला जब दोनों बाहर काटे दो सवाल उस पर हो चुके हैं, जब दोनों अंदर काटे वैसा सवाल, और एक था कि एक अंदर काटे और एक काटे ही नहीं, तो ये उसका है, तो हमने इसके लिए आपको कंडीशन लिखवाया था कि यह जो भुजा आपको अंदर या बाहर कहीं पर नहीं काट रही जो केवल स्पर्श करे यानी कि एडी इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और ये बाहर बिंदु पे काट रहे हैं तो यहां से बाहर तक जाएंगे यानी कि ए से सी तक, ए से सी तक, और दूसरा बाहर वाला हिस्सा यानी कि ए से बी तक, समझ में आया कुछ,
उड़ गया। आपसे पूछा क्या भाई, एडी की लंबाई पूछा, रख दो भाई लोगों को बता दो कि आप में है दम। एसी का मान कितना है भाई, कहाँ पे है, नहीं दिया है। अच्छा ए भी दिया है, चलो चार ये हो गया। बीसी कितना है, पांच है, तो चार और पांच आपको सर नौ। अच्छा ए भी कितना है भाई, ए भी चार है, तो एडी का स्क्वायर बराबर आप देख रहे हो 9 × 4 = 36 हो गया। और 36 आपको पता है ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। एडी का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, यानी कि एडी मतलब 6। ऑप्शन कहीं पे है, इसको कर दो फिक्स। कहां भाई ऑप्शन कहां गया, ऑप्शन नहीं है फिर भी सही है, ऑप्शन नहीं है फिर भी यही आंसर होगा विधा। इसमें तो हम सोचे कोई बता क्यों नहीं रहे हैं सब। हाँ सिक्स होगा, सिक्स होगा, सिक्स होगा, चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं। ऐसे सवाल को भी आप जैसे तेज स्टूडेंट सीधे सीधे आंसर बताते हुए बताएंगे सर ये सिक्स होगा ऑप्शन। और सुनो मेरी बात को, ये कहानी नहीं है, कहानी नहीं है सास बहू की, ये है मैथमेटिक्स का सवाल और ये है इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट, जिसे आपको क्या करना है अभी नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट। इसको बैलेंस करने के लिए एक ही तरीका है और इसे याद रखना होगा और इसको समझा दिया गया है आपको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो चलो स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आज लोग सभी लोग बताएंगे और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ये सवाल है, ये ऑप्शन है और वो आप हैं, बैठे बैठे टाइप कीजिए जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, ओके ऑप्शन ही गायब है, हाँ ऑप्शन गायब है तो इसमें तो आ गया, इसमें बताओ, चलो 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 जल्दी बता दो। इसको थोड़ा आपको बिग साइज दे दे रहा हूँ, बिग बुल बन जाओगे तुम लोग, लो अब बताओ ये कौन है भाई। ओके सर बोर्ड ब्लैक कर दीजिए, कहे कहे पैसा दिए हो अलग से क्या ब्लैक बोर्ड करने का, अलग से पैसा दिया जाता था तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होती है। चलो ठीक है सर जी, रूट में 3a होगा, ओके ओके, अब हम नहीं जानते आप जानते हो, हमें नहीं मालूम है, आपको पता है इसका राइट आंसर और आप ही बताओगे, हमें नहीं आता है, ये सभी स्टूडेंट बताएंगे हमें ये नहीं आ रहा है, और आपको बताना है। एक लड़का बता दिया आंसर, गजब, इसको मिलते हैं इनाम, क्या मिलेगा इनाम, इनाम क्या है वो बताएंगे ही नहीं, इनाम क्या है वो बताएंगे ही नहीं, लेकिन इनाम मिलेगा जो सही बताए। सुनो ये कै भुजाएं हैं, खटभुज, षष्ठभुज, समभुज, समबहुभुज, छह भुजाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये छह भुजाएं हैं। तो आपको बताया गया था, रटवाया गया था कि जब छह भुजाएं होती हैं या एक दूसरी भुजाएं आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं, 120 अंश। याद रख लेना कि अगर याद क्या, एक ही सवाल ही आता और उसी को नहीं याद रखोगे तो फिर तुम जानो, 120 अंश होता ही है चाहे जैसे भी। और यह एसी क्या होता है, चाहे ये भी लोगे तो ना तो भी 120 ही आएगा, ये भी लोगे ना 120 ही आएगा, चाहे जहां से भी ले लो, ठीक है। दूसरी बात यह एस, देखो केवल मैं इस जिसको हाईलाइट कर रहा हूं उसको देखेंगे, ए से बी तक जाओ, बी से सी तक जाओ और सी से ए तक आ जाओ, कुछ ऐसा है ना, ए बी और सी। जब आपको मालूम है कि यह सर जी 120 अंश है, तो ये भी भुजा है ए लंबाई की है, ये भी भुजा है ए लंबाई की है, लेकिन लेकिन यह क्या है, विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है। तो षष्ठभुज का विकर्ण का फार्मूला किसे याद है, विकर्ण बराबर होता है रूट 3a, और समकोण त्रिभुज रहता है, मान लो ये ऐसे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के विकर्ण का फार्मूला अगर ये भुजाओं की लंबाई पता है तो ये होता है रूट 2a, ठीक है। जब ये समकोण त्रिभुज रहेगा तो विकर्ण विकर्ण बराबर ये हो जाएगा, लेकिन यह षष्ठभुज रहेगा तो विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट 3a, और a का मान, a का मान कुछ नहीं, यही पूछा था और आंसर हो गया, आपने तो एकदम कमाल कर दिया, ये ही तो है, इसमें क्या था, इसी में गलती कर दिए थे, अब गलती जिंदगी में दोबारा नहीं करेंगे, है ना। बहुत सही कोमल सोनी, इति तिवारी, रजनीश कुमार, देविका पाठक, सलमान अंसारी, उत्सव
राहुल यादव ओके अब आपने सही आपसे इसका आंसर पूछा गया था इस एक्स की वैल्यू क्या होगी और आपने में से तो बहुत स्टूडेंट ने तो आंसर भी कर लिया था। सुनो यह एक वृत्त है और ओ इसका केंद्र है, ओ केंद्र अगर हम इसको मिला दे तो यह क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ओपी क्या है, ओपी क्या है भाई, पीओ का हो चाहे ओपी क्या का हो, ये इसका रेडियस है जिसको त्रिज्या नाम देते हैं और इसको मिला देंगे तो ये भी तो क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी यानी कि ओक्यू भी हो जाएगी, ओक्यू भी हो जाएगा, दोनों क्या है त्रिज्या ही है। और आपको पता है त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है तो बराबर कोण भी होगा, ये 35 तो ये भी 35 ठीक है, ये 35 ये 35 दोनों कितना 70 तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये दोनों 70 तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी फास्ट बिना देरी के ही होगे तो आपको को सर जी ये 110 हो जाएगा, तभी तो 70 और 110 जोड़ेंगे 180 होगा यस। और आपसे पूछा ये आपको पता है इसका दो गुना होता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है कितने गुना, 5 गुना 2 गुना अच्छा 2 गुना होता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है यानी ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है 110 है, परिधि पर बने कोण का क्या होगा 2 गुना हो जाएगा यानी 2x के बराबर हो जाएगा, 2 गुने के बराबर होगा, x बराबर बता सकते हो काट दो। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो बिना पेन और कॉपी के भी इसको बता सकते हो तुरंत, ऑप्शन नंबर 55 के साथ सभी लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा वेरी गुड, आज तो एकदम जबरदस्त तरीके से सभी लोगों ने दिल 2 गुना अच्छा 2 गुना होता है कि 2 गुना होता है, 2 रुपया होता है अच्छा 2 रुपया होता है हाँ सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लगता है कि आपकी नैया इतने में पार हो जाएगी, सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं और सुनो इसको हम लोग करते हैं सेव, आपके लिए एक टास्क मिलने वाला है, पहले अभी सब लोग लाइक करके बता लेंगे समझ में आया कि नहीं ये जरूर बताएंगे, आपको एक काम देने वाला हूँ देखते हैं कौन कौन काम करता है ना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा ओके। चलो रुक जाओ आपको मिलने वाले हैं, आ रहा है अब आपका बेहतरीन टास्क जो आपको आज ही करना है परफॉर्म, और उसके लिए आपको पहले सुनना होगा फिर करके दिखाना होगा। तो पहला काम आपको अपने मोबाइल में खोलना होगा क्या चीज, क्योंकि आगे की क्लासेस जो स्टूडेंट पैड क्लास के लिए अलग से पे नहीं किए उनकी बंद होने वाली है, क्योंकि बोला गया था कुछ दिनों के लिए ऑन रहेगा, जो स्टूडेंट कर चुके हैं उनका नहीं बंद होगा, सबका नहीं बंद होगा, केवल जो स्टूडेंट ने रेसवा एकेडमी के गूगल प्ले स्टोर पर जिसपे से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं ये ऐप को खोलेंगे, और ऐप को खोलने के बाद जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इस ऐप में कितने स्टूडेंट ने क्या किया है रेटिंग किया है, टोटल 1972 रेटिंग आई है जिसमें से आपका नाम, ये कौन है भाई, राहुल भाई है, बहुत स्मार्ट फोटो लगाए राहुल भाई, तो इन्होंने लिखा जैसे है आप अपने अपने तरीके से, लेकिन भाई 5 स्टार नहीं रहेगा तो फिर बंद, क्योंकि अब देखो नेट वगैरह सब कुछ सही है तो 5 स्टार दे के ही अपना इस ऐप के बारे में क्या कहना है ईमानदारी से बताएंगे, और खूब बढ़िया बढ़िया केवल बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे ऐप पर, और ये संख्या 2500 के पार हो जानी चाहिए, जितने पैड क्लास के स्टूडेंट जुड़े हैं सबके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोलो कौन लोग करेंगे, और घर के मोबाइल में, पापा के मोबाइल में, दीदी के मोबाइल में, चाचा के मोबाइल में और चाची के भी मोबाइल में जरूर कर देना, इतना काम करना पड़ेगा ठीक है। इसका फ्री पीडीएफ, फ्री क्या आपको तो फ्री है क्योंकि ये
ठीक है, समझ गए होगे। और सबका नाम देखो, ये कौन है भाई? रितेश मिश्रा मस्त लिखा है 5 स्टार देके, आकाश कुमार 5 स्टार दिया है, कल्पना वर्मा 5 स्टार दी है, रीड अल्प करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये काम करेंगे। और सुनो, एक काम आज ही आपको और करनी है, जो आपके अच्छे दोस्त हैं जिनको आप चाहते हो कि ठीक है बेचारा किसी तरह से पढ़ ले, उनको भी इस ऐप में ज्वाइन करवा दो। उनको बोलो कि सर जी का नंबर है, इस पे क्लास ज्वाइन कर लो। अगर वो पढ़ना चाहे तो कोई वो नहीं है, है ना? क्योंकि क्लास ज्वाइन किए रहोगे तो आप जितना पढ़ रहे हो और उसमें बूस्टअप हम और करा देंगे तो वो आपका डबल प्रॉफिट हो जाएगा। इसकी फीस आपको पता है, मिनिमम ऑफर चल रहा है। बिहार पॉलिटेक्निक का ऑफर अब बंद हुआ है क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक की नैया अब निकलने वाली है, पार होने वाली है। तो बिहार के जितने स्टूडेंट जुड़वाना चाहते हैं आप लोग जुड़वा सकते हैं। हाँ सर जी, हम करेंगे। हाँ सर, देखेंगे अभी तुम लोग का, जो कह रहे हो सर जी हम 5 से 5 ID से करवाएंगे ना, तो पता चल ही जाएगा। सर जी मास्टर साहब जी के साथ धोखा नहीं है ना। लाइक 300 स्टूडेंट ने नहीं किया, 2000 बच्चे देखते हैं तो 200 लाइक होता है, मतलब कि 1800 फेल होने वाले हैं, 200 जो पास होने वाले हैं वही करते हैं अपना काम, क्योंकि आपको बस अपना फायदा चाहिए, सर जी का फायदा ना हो यही चाहते हैं। चलो कुछ नहीं, तो अब हम ऑन करते हैं और उसके बाद